हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? तो गाइस, ये जो व्लॉग है ये है 29th of September का। तो बस यहाँ पे मॉर्निंग का टाइम है। मैं डेली अभी कहीं ना कहीं जा रही हूँ तो कपड़े भी लगते ही हैं, आपको पता है। और आप ना लॉकडाउन से ऐसा मतलब हैबिट हो गई है कि बाहर से आते हैं ना तो बस कपड़े ऐसा लगता है कि वॉश कर लो। डस्ट भी बहुत होती है बाहर। और अभी हम लोग बाइक से ही जाते हैं तो आपको पता है कि फिर एक बार जब कपड़े आप पहन लेते हो ना तो फिर वापस से पहनने का मन नहीं करता। मैं सीधा वॉश होने के लिए ही रखती हूँ। तो बस थोड़े से कपड़े थे, मैंने सोचा कि चलो इनको हाथों से ही मैं धुल के डाल देती हूँ। थोड़ा सा डिटर्जेंट डाल के इनको भिगो के रख दिया था और एक भी कपड़ों में से कलर तो नहीं निकलता है, तो बस आराम से ये धुल जाएंगे। और इनको धुल करके फिर मैं नहाऊंगी, क्योंकि मैं नहाने के बाद ना कपड़े नहीं धो पाती हूँ, मैं गीली हो जाती हूँ। इसलिए मैं नहाने से पहले ही कपड़े धोती हूँ। यही हैबिट मेरी मम्मी की भी थी और यही मेरी भी है कि मैं नहाने से पहले तो धो लूँगी, उसके बाद नहीं धुलते मेरे से कपड़े। तो बस यहाँ पे सारे काम होने के बाद मैं सीधा वॉशरूम में आई हूँ। कपड़े धुल के सीधा मैं नहा करके ही निकलूँगी और उसके बाद तो फिर आपको पता है। तो मैंने सोचा कि हाथों हाथ में इनको फैला भी देती हूँ, नहीं तो फिर ये वॉशरूम में अगर रह गए ना तो फिर मुझे याद भी नहीं रहता है कभी कभी। तो बस यहाँ पे कपड़े सारे फैला देती हूँ। धूप बहुत तेज़ हो रही है आजकल बाहर और ये चीनी कब से ऐसी रखी हुई है, कुछ भी काम करने का मन नहीं कर रहा है। कि जब आपके माइंड में एक बार आ जाता है ना कि हमें घर शिफ्ट करना है तो फिर कुछ काम करने का मन करता नहीं है, लगता है कि ये जो टेंशन है ये सबसे पहले ख़त्म हो जाए। जो रेंट के घर में रहते हैं ना वो बहुत अच्छे से समझते होंगे कि ये कितना बड़ा हेडेक है हमारे लिए घर को शिफ्ट करना। सच में यार बहुत टेंशन होती है। बस यहाँ पे नहाने के बाद अभी मैंने खाना बनने के लिए रख दिया है, क्योंकि श्राद्ध के दिन स्टार्ट हो गए थे, फर्स्ट डे था। तो मैंने सोचा कि चलो कढ़ी बनाते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने कढ़ी, चावल और दाल, मतलब प्रॉपर जो खाना होता है ना, हमारे यहाँ पे इसको कच्चा खाना बोलते हैं, वो खाना मैं बना रही। तो इसमें थोड़ा सा टाइम भी लगता है, तो कोशिश किया कि बहुत जल्दी जल्दी सारे काम कर लूँ, लेकिन थोड़ा सा तो लेट हो ही जाते हैं, अकेली हूँ ना इसलिए। तो यहाँ पे कढ़ी बन गई है, कढ़ी का तड़का यहाँ पे तैयार कर रही हूँ मैं। घी में तड़का लगाती हूँ कढ़ी में, जीरा डाल के, थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च और हींग डाला है मैंने। और ये कढ़ी का तड़का ना, इससे ना कढ़ी का टेस्ट बिल्कुल चेंज हो जाता है। मैंने बहुत बार आपके साथ शेयर किया है और आज मैंने दही की कढ़ी बनाई है, क्योंकि अब फ्रिज में से सामान भी मुझे ख़त्म करना ही है। दही हो गया, मलाई हो गई, तो सोचा कि चलो दही की कढ़ी बना लेते हैं, छाछनी मंगाते हैं। ये चने की दाल है, इसमें भी मैंने तड़का लगाया सूखी लाल मिर्च से। और ये बहुत सिंपल प्लेन दाल बनती है, बस इसमें नमक हल्दी होती है और लाल मिर्च और जीरे हींग का मैंने तड़का लगाया घी में, और इसमें हरा धनिया डाल दिया। बस यहाँ पे रोटियाँ बनाएंगे और पूरा खाना बनके तैयार है। भोग लगाएंगे भगवान जी का, फिर इनको भी खाना दूंगी मैं। जिस तरह से खाने वाली हूँ ना, इस तरह से मैं शादी से पहले खाया करती थी, मेरी मम्मी भी खाया करती थी, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। वो प्लेन राइस हुआ करता था, बट आज का ना राइस जीरा राइस है और देखिए बहुत टेस्टी लगता है। इसमें दाल, कढ़ी और ये वाली मिर्ची, पापड़, दोनों तरह के पापड़। और हाँ, इसमें ये मैंने बनाए हैं स्पेशली उड़द दाल के बड़े, जिसको बोलते हैं हींग के, और नमक के पानी में इसको भिगोया जाता है। ये भी इसमें ही मिक्स करके ऐसे खाए जाते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसे। इसमें घी और चीनी भी मैंने थोड़ा सा ऐड किया है, ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है खाना। अब मैं इसको खाऊंगी मिक्स करके, मुझे रोटी नहीं अच्छी लगती, मैं यही खाऊंगी। मेरी ड्यूटी तुमने ले ली, तुम्हारी सेक्रेटरी तो मैं थी ना, मैं फाइल लेके जाती थी ना भी रोज। दोस्तों, तो मैं थोड़ी देर के सो गई थी लंच करने के बाद, अभी उठी हूँ तो मैं बना रही हूँ घी। यहाँ पे बर्तन साफ करने हैं, घी बनाना है, ये तो काम से कम है, मैंने आपको बताया ही था। तो क्योंकि मलाई ख़त्म हो जाएगी जैसे, है ना। और थोड़े से बर्तन उनको साफ करती हूँ, कपड़े उठा के कपड़े फोल्ड करें, बहुत सारे काम है जो मुझे करने हैं। तो अभी तक तो सब कुछ ठीक था, ऐसा मुझे कुछ भी नहीं पता चला था।
तो मैं बस माइंड में वही लेके चल रही थी कि कैसे शिफ्ट करेंगे हम, क्या सामान पैक करेंगे, कैसे पैक करेंगे, किसको बुलाएंगे। और यहाँ पे बर्तन साफ़ करी थी, मैंने फास्ट कर दिया है क्योंकि आप लोग भी बोर हो जाएंगे। तो यहाँ जितने भी बर्तन थे मैंने साफ़ कर दिए, लंच करने के बाद मैंने बर्तन साफ़ नहीं किए थे। एक दो दिन से बहुत ज़्यादा जाना आना हो रहा था ना, तो मैं भी थक गई थी, तो फिर मैंने आज रेस्ट किया अच्छे से। लंच करने के बाद बर्तन मैंने इवनिंग में क्लीन किए हैं, और बस यहाँ पर जितने भी कपड़े वॉश किए थे वो सूखते गए, तो मैं उनको ऐसे फोल्ड करती गई और सोचा कि हाथों हाथ काम करते हैं। लेकिन अभी ये आ जाएंगे घर पे शाम को। फिर शाम को ना उनका फ़ोन आता है लैंडलॉर्ड का, जहाँ पे हम लोग घर फिक्स करके आए थे, और मैं, आपने देखा था, मैं भगवान जी भी वहाँ पे बिठा के आई थी। 1 hour later क्योंकि कहते हैं कि श्राद्ध के दिनों में ना ऐसे कुछ भी नया काम नहीं करते, ना ही शिफ्ट करते हैं, ना ही घर बनवाते हैं, तो इसलिए मैं पहले ही, एक दिन पहले ही रख के आ गई थी, भगवान जी को बैठा के आ गई थी कि हम 15 दिन में, अब श्राद्ध के दिनों में आराम से शिफ्ट कर पाएंगे। लेकिन अचानक से ना उन्होंने ऐसे मना कर दिया ना, तो बहुत मतलब बुरा लगा, और कहीं ना कहीं मतलब मुझे भी ऐसा फील हो रहा था कि शायद वो घर में हम नहीं जा पाएंगे, कुछ ना कुछ ऐसा लग रहा था मुझे। फिर लास्ट में उनका फ़ोन ही आ गया इवनिंग में कि वो घर हम नहीं दे पा रहे हैं। तो उसका क्या रीज़न है अभी मैं आपको बताऊंगी फ्रेंड कैमरे पे आकर के। तो बस इस टाइम पे हम लोगों ने डिनर कर लिया है, क्योंकि हमने जो मॉर्निंग में बनाया था ना, वही हमने इवनिंग में भी, मतलब नाइट में खाया था डिनर में। तो इस टाइम पे मैं थोड़ा सा मूड ख़राब था मेरा। साबरी खुद हाथ दो अपना, परछाई में दिखेगा। बहुत ही सुंदर भजन के साथ हमारी सुबह हुई। रात को तो टेंशन हो गई थी, लेकिन क्या कर सकते हैं, जो टेंशन है उसको लेने से भी कुछ फ़ायदा नहीं है, हमको उसको सॉल्व करना है। बस यहाँ पे अपना पूजा पाठ में लग गए हैं, पूजा पाठ करेंगे, खाना बनाएंगे, जल्दी से तैयार हो गई हूँ क्योंकि टेंशन हो गई है। तो फिर अब फिर से हमें घर से निकलना पड़ेगा घर देखने के लिए, क्योंकि अब सोचा कि इन 15 दिनों में फिर से अपना घर देख के रखते हैं, जैसे ही कड़वे दिन ख़त्म होंगे हम अपना जो घर है उसको शिफ्ट कर लेंगे। तो अभी नेक्स्ट व्लॉग में मैं प्रॉपर बहुत सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी, तो आप लोग नेक्स्ट व्लॉग ज़रूर देखना दोस्तों, क्योंकि इस व्लॉग में मैं ज़्यादा कुछ शेयर नहीं कर पाई हूँ। एक तो मूड भी ठीक नहीं था, ऊपर से बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं जिसकी वजह से, और क्या वो व्लॉग भी काफ़ी लेंथी हो जाता। हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। कल मैंने व्लॉग का एंड ही नहीं किया था, सोचा व्लॉग का एंड कर देती हूँ अभी, क्योंकि कल से व्लॉग चल रहा है, आज की डेट है और आज है सैटरडे, आज लास्ट डेट है आज सितंबर की, कल अक्टूबर लग जाएगा कल से। तो एक बैड न्यूज़ है, जो हमने घर सिलेक्ट किया था वो घर नहीं हमें मिल पा रहा है। रीज़न ये है कि मतलब जो वहाँ के अंकल जी थे उन्होंने तो हाँ बोल दिया था, लेकिन उन्होंने जब फैमिली से डिस्कस किया तो फैमिली ने मना कर दिया कि आगे वाला जो रूम है वो हम नहीं दे पाएंगे। तो मतलब पहले हम 3 BHK का ले रहे थे, लेकिन फिर वो 2 BHK का हो रहा है, तो 2 रूम में तो मेरा नहीं हो पाएगा, सामान बहुत ज़्यादा ही है। तो फिर हम लोगों ने भी मना कर दिया कि कोई बात नहीं है, अगर फैमिली नहीं देना चाहती तो फिर क्या कर सकते हैं। तो मैंने जो भगवान जी रखे हुए थे वहाँ पे, वो मैं लेके आऊँगी जब भी हम उधर जाएंगे, अभी आजकल में ही, तो मैं अपने भगवान जी ले आऊँगी। और फिर वो वाला रूम हम नहीं ले रहे हैं, वो घर नहीं ले रहे हैं। घर अच्छा था, नीचे का ग्राउंड फ्लोर का था, लेकिन हमें एडजस्ट करना पड़ता क्योंकि उसमें भी रूम जो वो छोटे छोटे थे तो नहीं हो पा रहा था। लेकिन वहाँ पे ना ज़्यादा ऑप्शन नहीं है जहाँ हम लोग घर ले रहे थे, वो सब कुछ डिटेल है मैं आपके साथ एक ब्लॉग में शेयर कर दूँगी। और अकेले हैं थोड़ा सा, बहुत सारी चीज़ों को मैनेज करना पड़ रहा है हमें, हमारी टेंशन है हमें सॉल्व करनी है, और आज नहीं तो कल हो जाएगी। हम लोग फिर से जा रहे हैं अपना कोई घर देखने के लिए, और तो अभी हम लोग जा रहे हैं, देखते हैं कहाँ पर क्या, देखते हैं क्या मिलता है। खाना वगैरह हम लोगों ने खा लिया, अभी दोपहर के 12 बज रहे हैं,
फ्री हो गए हैं काम से। काम क्या, काम करने में तो मन ही नहीं लग रहा है बिल्कुल भी। बस कर लेती हूँ थोड़ा बहुत काम, खाना वगैरह बना लेते हैं, पूजा पाठ उठाते हैं, कर रहे हैं। दोस्तों ब्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट ब्लॉग में देखते हैं घर मिल पाता है नहीं मिल पाता है, मिलने के बाद फाइनल होने के बाद ही मैं आपके साथ शेयर करूँगी, तब तक नहीं करूँगी। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।